यहाँ पे रेड कार्ड बाहर आते हुए, यहाँ पे रेड कार्ड बाहर आता हुआ, क्या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रेफरी के साथ, यहाँ पे रेड कार्ड दिखाया गया है, यहाँ पे रेड कार्ड दिखाया, यहाँ पे एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, यहाँ पे जर्सी नंबर 11 पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा यहाँ पे जर्सी नंबर 11 पे, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इसी बीच डिब्रूगढ़ काउंटर पे आगे आते हुए, यहाँ पे धक्का मुक्की, थोड़ा सा धक्का मुक्की, यहाँ पे धक्का मुक्की हो रहा है प्लेयर पे, थोड़ा सा धक्का मुक्की यहाँ पे प्लेयर जर्सी नंबर 11, आप सीनियर प्लेयर हो, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तेजपुर की प्लेयर जर्सी नंबर 11, आप सीनियर प्लेयर है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप आसाम टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके टीम में इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेयर है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जर्सी नंबर 11 सीनियर प्लेयर है आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आपसे इन लोगों को सीखना बहुत है, आपसे सीखेंगे ये लोग, आप लोग सीनियर प्लेयर्स हैं, आप लोगों से सीखने को मिलेगा प्लेयर्स को। यहाँ पे येलो कार्ड दिखाते हुए जर्सी नंबर 11 को, क्या दोनों प्लेयर को दिखाया गया है येलो कार्ड? जी नहीं, सिर्फ 11 जर्सी नंबर 11 को। जी बिल्कुल, आप सीनियर प्लेयर हैं, आप सीनियर टीम से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ऐसे गलती नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे संयम बना के रखना पड़ेगा, आप अपना आपा नहीं खो सकते हैं इस मैच में। यहाँ पे जर्सी नंबर 11 बैक टू बैक, यहाँ पे क्या रेड कार्ड दिया जाएगा। यहाँ पे जर्सी नंबर 11 जो है बैक टू बैक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करते हुए, पूरा टीम जो है उनको कोशिश करते हुए, यहाँ पे किसी का बात नहीं सुन रहा है जर्सी नंबर 11 को, क्या यहाँ पे कुछ कार्ड मिलेगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे रेड कार्ड बाहर आता हुआ, क्या यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रेफरी के साथ, यहाँ पे रेड कार्ड दिखाया गया है, यहाँ पे एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, यहाँ पे जर्सी नंबर 11 पे डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होगा यहाँ पे जर्सी नंबर 11 पे? ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट, ये आसाम फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से इस मैच को कंडक्ट किया गया है। यहाँ पे अगर आपको बैन कर दिया जाएगा, आप कहीं पे आसाम पे खेल नहीं पाएंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आसाम टीम का सिलेक्शन होगा, ये इसी टीम से आप अगर ऐसे करेंगे, यहाँ पे रेफरी को आपके टीम के अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैच कमिश्नर जो है इस सिचुएशन को, मैच कमिश्नर इस सिचुएशन को थोड़ा सा देख रेख करते हुए, मैच कमिश्नर बाद में हम लोग खबर लेंगे कि इस प्लेयर के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया गया है। लास्ट 3 मिनट बाकी है, इस टाइम पे आपको संयम बरत के रखना चाहिए था।